ये मिलियाम बैन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो आज सुबह से मेरे कमेंट में आ रहा था भाई पबजी गेम के ऊपर वीडियो बना के पबजी के मिलियाम बैन हो रहा है। तो भाई साहब मैं परेशान हो गया इस टॉपिक को देखते देखते, इसलिए मैं सोचा इसको मैं एक वीडियो बना दूं और पूरा क्लियर से आपसे समझा दूँगा रियल मीडिया में बैन हो सकता है पबजी गेम या फिर नहीं हो सकता है। बिकॉज कि इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से 47 ऐप को बैन करने का घोषणा किया है और उसमें से क्या पबजी गेम का नाम आता है या फिर नहीं आता है। और इसके साथ ही साथ 275 ऐप को ऑलरेडी बैन किया जा रहा है इंडिया में, क्या उस लिस्ट में पबजी का नाम है या फिर नहीं है। तो ये मैं आपसे पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे को बता देता हूँ, अगर आप समझे मैं न्यू आज पर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि हमारे जाना है कि न्यू वीडियो अपलोड होता है बहुत सारे वीडियो डेल होते हैं। तो चलो हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इसके साथ ही साथ कुछ ही दिन बाद बीतने के बाद अब जो सामने आ रहा है आपसे खबर 275 एप्लीकेशन फिर से बैन हो रहा है। साथ ही साथ इसका लिस्ट अभी तक सामने नहीं आया है। अगर कोई आपको लिस्ट बता रहा है तो वो अभी गलत बता रहा है क्योंकि अभी तक लिस्ट नहीं आया है। और कोई भी लिस्ट सामने आएगा तो पहले मैं आपको बता दूंगा क्या उससे पबजी का नाम है या फिर नहीं है। तो मेरे हिसाब से पबजी भी बैन हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो पबजी पीसी है वो प्योर साउथ कोरिया ने डेवलप किया है, साथ ही साथ साउथ कोरिया का ही गेम है। और जो पबजी मोबाइल है वो टेंसेंट गेम ने डेवलप किया है, उसने चाइनीज को डेवलप किया है। बोले तो साउथ कोरिया ने टेंडर दे दिया था टेंसेंट कंपनी को और बोला था जैसा कि पबजी पीसी गेम है वैसा ही सेम टू सेम आप पबजी मोबाइल में बनाओ। तो टेंसेंट कंपनी ने पबजी मोबाइल बनाया, साथ ही साथ जो गेम इसलिए आता है जब भी आप देखते होंगे उसमें टेंसेंट गेम का नाम आता है। तो टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है, साथ ही साथ जो आपसे साउथ कोरिया है वो उसका पबजी गेम है। ओरिजिनल पबजी गेम साउथ कोरिया का है पर जो पबजी मोबाइल डेवलप किया है, जो छोटा सा पबजी मोबाइल है उसको टेंशन गेम ने डेवलप किया है। इसी वजह से 10% का शेयर वो टेंशन गेम के अंदर जाता है जो कि चाइनीज कंपनी है। इस वजह से हो सकता है 100 में से 70% चांस है इस लिस्ट में आपसे पबजी का भी देखने को नाम मिल सकता है। अगर इस लिस्ट से पबजी का नाम मिलता है तो हो सकता है बहुत सारे गेमर को बुरा लगने वाला है और बहुत सारे गेमर अब क्या करेंगे इसका तो मुझे पता नहीं। हो सकता है GTA 5 गेम खेले या फिर से क्लैश ऑफ क्लैन गेम खेले या फिर से फ्री फायर गेम खेले। और इसके अलावा और भी बहुत सारे गेम है, वो सारे गेम पे शायद हो सकता है लोग इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे। पर जो टेंशन कंपनी और 10% शेयर जाता है आपसे पबजी का, जो भी गेम का 10% शेयर होता है वो टेंशन कंपनी को जाता है जो कि चाइनीज कंपनी है। इसके साथ ही साथ इसका एक उपाय है कि टेंशन कंपनी का जो 10% शेयर जाता है वो अगर साउथ कोरिया ना दे, ऐसा करे साउथ कोरिया के जितना भी डेवलपर होता है जितना भी सब कुछ होता है खुद से वो क्रिएट करे और गेम को जितना अपडेट आता है वो खुद से करे। तो हो सकता है 10% शेयर उसके पास ना जाए, तब हो सकता है कि आपसे अगर पबजी गेम बैन ना हो। अगर अभी भी 10% शेयर टेंशन कंपनी के पास जाता रहेगा तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट फिर से पबजी गेम को बैन कर दे और इस लिस्ट में पबजी का भी नाम आ सकता है। तो मैं तो नहीं चाहता हूँ पबजी गेम बैन हो और आप सब भी नहीं चाहते कि पबजी गेम बैन हो। बिकॉज कि पबजी गेम एक ऐसा गेम है जिसको खेलना हर कोई पसंद करता है, साथ ही साथ उसको देख के बहुत अच्छा लगता है देखने में और एक अच्छा एक स्ट्रेटेजी गेम है। अभी तक 275 ऐप का लिस्ट नहीं आया है। अगर लिस्ट में पबजी गेम का नाम रहेगा या फिर जो भी एप्लीकेशन का नाम रहेगा उसके बाद फिर से मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको अच्छा तरीक़े से बताऊंगा कौन सा एप्लीकेशन बैन हुआ है कौन सा एप्लीकेशन बैन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ कोई एप्लीकेशन बैन होता है तो उसका एक और अच्छा सा यूज क्या हो सकता है, उसके अलावा एक और सिमिलर एप्लीकेशन क्या होगा उसका भी मैं आपको ओपिनियन दूंगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप सब पबजी लवर हो, आप सब पबजी गेम खेलना पसंद करते हो तो पहले तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लो तो पबजी गेम से कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा तो सबसे पहला वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और जो भी मैं आपको बताऊंगा सभी कुछ रियल बताऊंगा, जो कोई फेक वगैरह चीज कुछ आपसे को दिखाऊंगा नहीं, इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा लो। और इसके साथ ही साथ मैंने आपसे अच्छा तरीका समझा दिया पबजी गेम बैन होगा तो बस इतना ही रीजन होगा, 10% शेयर जाता है टेंशन कंपनी के पास और टेंशन कंपनी एक चाइनीज कंपनी है। अगर 10% शेयर साउथ कोरिया उसको ना दे खुद से डेवलप करे गेम को तो हो सकता है पबजी गेम बैन ना होगा। तो सारा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया।